दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनेकता पार्टी। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पिछले दो दिनों से हो रही बरसात व ठंडी तेज हवाओं के चलते इस पहाड़ी क्षेत्र के तापमान में काफी गिरावट आई है। ऐसे में मई महीने में ही लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। इस गर्मी के मौसम में ठंड इस प्रकार बढ़ी है कि श्रद्धालु एवं स्थानीय दुकानदार गर्म परिधानों में नजर आ रहे हैं, जहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों में इस समय मौसम काफी गर्म है। वहीं पर इस पहाड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु पहुंचकर ठंडे और सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। दो दिन से बारिश हो रही है और ठंड भी थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए हमारे को जैकेट पहनने पड़े। जय माता दी। बहुत सुहाना मौसम है नैना देवी का। यहाँ पर दो तीन दिन से जो बारिश हो रही है उसके कारण ठंड बहुत हो गई है, धुंध ठंड हो गई है और वापिस हमें सर्दी वाले कपड़े निकालने पड़ गए, इतनी ठंड है यहाँ पर। पंजाब तो साढ़े इतने मौसम गर्म है, तो इतने मौसम बहुत ठंडा हो गया। माता ने सानू बुलाया, तो माता का बहुत बहुत धन्यवाद। आए हम एमपी से, खरगोन जिले से, हमको बहुत ठंड लग गई और हमको अच्छा भी लग रहा है। दर्शन करने को आए हम। जय श्री राम, जय माता जी, जय माता जी। नैना देवी माता के मंदिर में आए मथा टेकने। आज का मौसम इतना सुहाना है, जैसे माता रानी ने ऐसे कृपा कर रखी है, और बहुत मज़ा। यहाँ का सुविधा देख करके भी बड़ा खुश हुआ मन, बहुत मज़ा आया मथा टेकने। आज हम दोनों भाई इकट्ठे मथा टेके, और यहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, यहाँ पे हर तरीके से अच्छा सहयोग है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नैना देवी से राकेश गौतम की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 7650894955 पर संपर्क करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।